हनी मैं घर आ गई। बॉब ये कौन है? बॉब ये क्या कर रहे हो? वाइफ है, प्लीज मुझे बचा लो। क्या तुमने तो कहा था तुम सिंगल हो। प्लीज मैं सब कुछ समझाता हूँ, बस अभी संभाल लो। क्या मैं उससे क्या कहूंगी? बॉब ये क्या, कौन हो तुम? मैं बस हनी मैं घर। बॉब यहाँ पर आओ जल्दी से। हेलेना वो सुनो हेलेना शांत हो जाओ आराम से, और ये मुझे दो, ये मेरी बहन है। कौन सी बहन? हाँ ये मेरी सौतेली बहन है, ये फॉरेन से आई है। मैं लूसी का आर्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। खैर ये मेरे सौतेले भाई की गलती है कि उसने ना मुझे बुलाया और ना ही अपनी खूबसूरत वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ ऐसा ही है बॉब। ओ, हाँ। मैं अक्सर सोचती हूँ इससे शादी ही क्यों की। मुझे भूख लग रही है, हम तीनों कहीं चलें डिनर के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कूल। तो ठीक है 10 मिनट में निकलते हैं। हाँ। आज तो बाल बाल बच गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेशरम कहीं के, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो? लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ओ, सच में? तो अभी जाकर उसे सब सच बता दो, वरना मैं खुद जाकर तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। नहीं, क्योंकि अगर हमारा रिश्ता ऐसे टूटा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा और वो मेरा घर ले लेगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ओके, शायद मैं जानती हूँ कि तुम्हारा डिवोर्स कैसे कराना है ताकि ये घर हमारे पास ही रहे। ओह थैंक यू। यू वेलकम। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें और बॉब को, हर कोई ऐसे फैमिली होते हुए भी ओपन रिलेशनशिप नहीं रख सकता है। क्या ओपन रिलेशनशिप? क्या मतलब? ओह मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मैंने बस नोटिस किया। खैर जाने दो। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई ओपन रिलेशनशिप नहीं है। तुमने क्या नोटिस किया? वैसे शायद मैं गलत हूँ, लेकिन उससे लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ। नहीं रुको, तुमने और क्या क्या नोटिस किया? वो किसी को मैसेज कर रहा था और शायद उसने घर जाने से पहले उस मैसेज को डिलीट कर दिया। ओह नो। ओह मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था, है ना? अगर ऐसा है तो मैं उससे बात करूंगी और उससे सच बुलवाऊंगी, और अगर ये सच है तो मैं आज ही उसे बाहर निकाल दूंगी। नहीं, 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 मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो तुम्हें कोई ठोस सबूत ढूंढने होंगे, और कोई लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर वो और भी ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी, आदमी छोटी छोटी बातों से पकड़े जाते हैं। मेरा यकीन करो, बदकिस्मती से मैं ये बखूबी जानती हूँ, मैं इससे गुजर चुकी हूँ। हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया, मैंने कई बार धोखा खाया। ओह आई एम सॉरी। नहीं इसका फायदा भी है, बदले का मजा जो कि शहद जैसा मीठा होगा, मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ। मैं घर आ गया। ये क्या कर? थोड़ा ड्रामा कर लो। ओ हाय। हाय, तुम लेट हो। ओ ये तुम्हारी शर्ट। ओ ये जैम होगी, ऑफिस के लोगों ने मजाक किया होगा। भूख लगी है तुम्हें? हाँ बहुत भूख लगी है, मैं बस चेंज करके आता हूँ। ओह माय गॉड, तुम सही थे। अब मैं क्या करूँ? वकील को बुलाऊँ या उसका सामान फेंक दूँ? हेलेन तुम्हें भी उसे थोड़ा सा जलाना होगा,
मैं एक क्लब जानती हूँ, वहाँ से हम कुछ आदमियों को बुलाते हैं और फिर तुम उसे अच्छे से मजा चखाना। तुम क्या कह रही हो, किसी और आदमी की बाहों में चली जाओ? ओह, क्या ये सही होगा? पता नहीं, शायद, लेकिन अभी मुझे थोड़ी खुली हवा चाहिए। ये सच में अच्छा मजाक था। माँ की बहुत फनी था। तुम कितने फनी हो। मार्क, तुम सच में बहुत मजा किया हो। यहाँ अभी आ जाओ मार्क। हाँ, मेरे सीशेल्स की कलेक्शन देखना चाहोगे? ओह, यकीन मानो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलो दिखा दो मुझे। जल्दी दिखाओ। पांच मिनट में आ रहा हूँ। वो बेडरूम में? पहले कैमरा ऑन करो। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे और फिर तुम उसे डिवोर्स ले सकती हो और सारी प्रॉपर्टी हमारी। तुमने उसे फुसलाया है ना? तुम मेरी खतरनाक जीनियस हो। मैंने कहा था ना मेरा प्लान काम करेगा। चलो, पकड़ लिया मैंने तुम दोनों को। ओह, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हें चीट कर रही हूँ? मैं, हम तो बस। हनी, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हें लगा मैं तुम्हें वैसे ही धोखा दूंगी जैसे तुमने मुझे दिया अपनी सौतेली बहन के साथ? क्या हम लवर्स नहीं हैं? बस भी करो, मैं तो देखते ही सब समझ गई थी। तुम हमारी फोटो को तभी हाथ लगाते अगर तुम्हें इसे छुपाना होता। यही है तुम्हारा प्यार। तो ये सब दोस्तों के साथ तुम्हारा क्या नाटक चल रहा था? ये मेरे दोस्त नहीं है, मार्क मेरा डिवोर्स लॉयर है। ये पूरा ख्याल रखेगा कि तुम सड़क पर आ जाओ बिल्कुल खाली हाथ। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और ये डैनी है, एक पुलिस ऑफिसर जो तुम लोगों को अरेस्ट करेगा। क्योंकि धोखा देना तो एक बात है, लेकिन धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी हथियाना जुड़ी है। तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। ओह रियली? चलो, क्यों ना एक साथ सुनते हैं। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे और फिर तुम उसे डिवोर्स ले सकती हो और सारी प्रॉपर्टी हमारी। तुमने उसे फुसलाया है। मैंने कहा था ना मेरा प्लान काम करेगा। चलो, आप निकालो इन दोनों को यहाँ से। नहीं हनी, हनी, आई लव यू, प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ हनी, प्लीज। तुमने बिल्कुल सही किया।